हेलो गाइस, वेलकम टू टेक डेज। आज हम बात करेंगे आईबॉल के रागा Q9 की, जो है एक 2.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम। इस स्पीकर सिस्टम को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, अपने डीवीडी प्लेयर के साथ, होम थिएटर सिस्टम के साथ, या फिर अपने मोबाइल के साथ भी। तो जिन लोगों को 2.1 टर्मिनोलॉजी का नहीं पता, उन्हें मैं फटाफट बताना चाहता हूँ कि 2.1 का मतलब होता है कि दो सैटेलाइट स्पीकर्स और एक सब वूफर। तो ये सब वूफर यूनिट है और ये दो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं। इसी तरह जो 5.1 चैनल स्पीकर सिस्टम होता है, उसमें पांच सैटेलाइट स्पीकर्स होते हैं और एक सब वूफर होता है। रागा Q9 काफी पुराना मॉडल है, पिछले 4-5 साल आई थिंक उससे ज्यादा से ही ये मार्केट में अवेलेबल है। इसका जो आजकल प्राइस चल रहा है वो 1200 से 1300 के बीच में चल रहा है। रागा Q9 में आपको मिलता है एक सब वूफर यूनिट, यहाँ नीचे इन्होंने एक 4 इंच का सब वूफर दिया हुआ है, जिसकी पावर आउटपुट है 8 वॉट। इसके अलावा आपको मिलते हैं दो सैटेलाइट स्पीकर्स, इनकी पावर आउटपुट है 3 वॉट। तो टोटल जो पावर आउटपुट बनती है स्पीकर सिस्टम की, वो होती है 3+8+3, यानी 14 वॉट। बॉक्स में आपको इन स्पीकर्स के अलावा मिलती है एक RCA केबल, जिससे आप इन स्पीकर्स को कनेक्ट करते हैं अपने PC या फिर मोबाइल के साथ। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशन। रागा Q9 के डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छा है, वुडन कंस्ट्रक्शन है। हालांकि ये रियल वुड नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड वुड है। जो सैटेलाइट स्पीकर्स हैं ये काफ़ी हल्के हैं, लाइट वेट हैं, पर मैटर नहीं करता क्योंकि ये पोर्टेबल स्पीकर्स नहीं है। उसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पर कोटिंग की है रोजवुड कलर की, ये काफ़ी अच्छा लुक देती है इन स्पीकर्स को। सब वूफर यूनिट के फ्रंट में आपको दो नॉब्स मिलती हैं। पहली जो नॉब है ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है, जो नीचे वाली नॉब है ये बेस कंट्रोल के लिए है। तो बेस को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ नीचे इन्होंने वेंट दे रखा है। जो सब वूफर है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि वो यहाँ नीचे दे रखा है 4 इंच का। यहाँ बैक पर आपको मिलते हैं पोर्ट्स ऑडियो इनपुट के लिए और ऑडियो आउटपुट के लिए। ऑडियो आउटपुट में हम अपने स्पीकर्स को कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ नीचे इन्होंने पावर ऑन एंड ऑफ का बटन दे रखा है और ये जो वायर है ये आपकी पावर केबल है। ये जो सैटेलाइट स्पीकर्स के साथ इन्होंने वायर दे रखी है, ये काफ़ी लंबी है, 4 फीट के अराउंड है। तो आप अपने सैटेलाइट स्पीकर्स को काफ़ी दूर रख सकते हैं अपने सब वूफर यूनिट से। तो अब हम इन स्पीकर्स को कनेक्ट करते हैं सबवूफर यूनिट के साथ। जो नीचे पावर आउटपुट पोर्ट्स हैं, इसमें आपने इन स्पीकर्स को कनेक्ट करना है। ये जो RCA केबल है, इसका एक एंड हमने यहाँ इनपुट में डालना है और जो दूसरा एंड है, जो एक 3.5 mm ऑडियो जैक है, उसको आप अपने PC या फिर मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्पीकर्स को ऑन करते हैं, यहाँ पर एक ब्लू इंडिकेटर लाइट टर्न ऑन हो जाती है, जो काफ़ी ब्राइट है, कई बार थोड़ी इरिटेटिंग भी लगती है। अब हम इस पे 2-3 सॉन्ग्स प्ले करते हैं ताकि हम इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कर सकें। बेस को मैं पूरा फुल कर देता हूँ और वॉल्यूम को मैं रखता हूँ लगभग 80% के ऊपर। अब जो RCA केबल का जो दूसरा एंड है, वो एक 3.5 mm जैक है, जिसको आपने कनेक्ट करना है अपने मोबाइल के साथ या फिर लैपटॉप के साथ। Hesitating, kryptonite desires.
तो जैसे कि आपने सुना कि रागा Q9 की जो साउंड क्वालिटी है वो इस प्राइस को अगर हम कंसीडर करें तो काफ़ी अच्छी है, बेस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी रिच है, जैसे कि आपने सुना अभी। मिड रेंज की बात करें तो यहाँ पर आपको वोकल्स में क्लैरिटी मिलती है, हालांकि कुछ गानों में मुझे लगा कि थोड़ी सी जो क्लैरिटी है ट्रेबल की भी और मिड रेंज की भी, वो शायद बेस उसको ओवर पावर कर लेता है कुछ गानों में, तो उसके लिए आप बेस को थोड़ा यहाँ से कम कर सकते हैं। पर अगर हम इसके प्राइस को देखें तो जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो अच्छी लगी मुझे, साथ में काफ़ी लाउड भी हैं 14 वॉट के हिसाब से, और हाई वॉल्यूम पर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन लगी मुझे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप ये स्पीकर लेना चाहते हैं तो इसे 70-80% वॉल्यूम पर ही प्ले करें। तो अब बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स की। तो अगर प्रोज की बात करें तो काफ़ी इनएक्सपेंसिव हैं, 1200 की रेंज में आपको ये स्पीकर सिस्टम मिलता है, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड बेस कंट्रोलर मिल रहा है। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है दिखने में। इसके अलावा जो साउंड क्वालिटी है कंसीडरिंग प्राइस वो भी डिसेंट है। कॉन्स की बात करें तो कोई खास बड़ा कॉन नहीं लगा मुझे क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कम है। थोड़ा सा मिड रेंज और हाई रेंज में थोड़ा सा क्लैरिटी का कुछ गानों में मुझे इशू लगा। इसके अलावा अगर इसके साथ इन्होंने रिमोट कंट्रोल दे दिया होता तो थोड़ा अच्छा रहता। अगर आप इसको होम एंटरटेनमेंट सिस्टम के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे तो रिमोट कंट्रोल होना चाहिए था। तो अगर आपका बजट 1200 के अराउंड है और आप ढूंढ रहे हैं एक मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम जो दिखने में अच्छे हों, साउंड क्वालिटी डिसेंट हो, बेस अच्छा हो, साथ में लाइट वेट हो और मीडियम रूम के लिए जो लाउडनेस है वो अच्छी हो, तो आप iBall के रागा Q9 को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू रागा Q9 के ऊपर। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।